क्यामत वाले रोज सब लोग इकट्ठे होकर एक मशवरा करेंगे कि किसी से शफात मिले, किसी की मदद तलाश करें, किसी को ढूंढा जाए जो हमारी मदद कर सके। गमगीन हो चुके लोग, कयामत का रोज है, 50,000 साल के बराबर गर्मी की इंतहा है, कयामत की हौलनाकियां हैं, महशर का मैदान है, तो हर कोई तलाश करेगा कि कोई मददगार मिल जाए। तो सबसे पहले लोग इकट्ठे होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि तू हमारा बाप है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को बोला था आपको सजदा करें, आपका एक बहुत आला मकाम है, हमारी मदद करें, हमारी शिफात करें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे, नहीं, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने दरख्त खा लिया था, मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम ऐसा करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो बोलेंगे कि नहीं, मुझसे भी गलती हो गई थी, मैं अपने ख़ानदान वालों के लिए दुआ कर बैठा था जब मैंने कश्ती बनाई थी कि अल्लाह उनको भी बचा ले, हालांकि वो ईमान पे नहीं थे। तो आप ऐसा करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि आप ऐसा करो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह से कलाम करते थे, बड़ा आला मकाम था उनका। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बोलेंगे, नहीं, मैंने भी मुक्का मार के एक बंदे को मार दिया था, मुझसे भी गलती हो गई थी, ऐसा करो ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह है, बड़ा अल्लाह ने उनको मकाम दिया हुआ है। तो जब वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बोलेंगे कि इस कायनात पूरी में एक ही हस्ती है पूरी कायनात में, और कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है। तो अगर परेशान हो तो परेशानी के लिए आप ऐसा करो, सरकारे दो आलम के पास जाओ। सरकारे दो आलम के पास जब लोग इकट्ठे होंगे, सरकारे दो आलम सबको गमगीन देखकर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास चले जाएंगे। सामने बिल्कुल जो है अर्श इलाही होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तख्त पे बैठे होंगे, सरकारे दो आलम वहाँ पर जाएंगे और जाकर सिफारिश करेंगे। जी हाँ, हम सब के लिए सिफारिश करेंगे, सब के लिए सजदा करेंगे और सिफारिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इजाज़त देगा। 7440 नंबर है हदीस का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त देगा उन्हें, और वो आएंगे दोबारा और आकर शिफात करेंगे, लोगों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले आएंगे। 3 दफ़ा ऐसा होगा, 3 दफ़ा ऐसा होगा, अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनको बोलेगी कि जाओ जाके निकाल लो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहब्बत है सरकारे दो आलम से, और सरकारे दो आलम की शान है कि वो शिफात करेंगे। यहाँ पर जो लोग बोलते हैं ना कि जी कोई मददगार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, सरकारे दो आलम मददगार होंगे, शिफात करेंगे। ये हदीस शरीफ है, अथेंटिक हदीस है, सही हदीस है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो सिर्फ वो लोग रुक जाएंगे जो हदीस में लिखा हुआ है कि जिनको कुरान रोक देगा और कुरान जिनको रोकता है वो काफिर और मुशरिक लोग हैं। तो अगर आप सरकारे दो आलम पर ईमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखते हैं, मुसलमान हैं, तो आप उम्मीद भी रखें कि आपकी शिफात जो है नबी पाक ज़रूर करेंगे, बस शर्त यह है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे बुक्स नहीं रखते हैं। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सैयद सनाज भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद सनाज, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।